उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। शाहजहांपुर जिले में अरुणाचल और हरियाणा ब्रांड की शराब की तस्करी बढ़ ही रही थी, लेकिन पुलिस टीम और आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी के दौरान सरकारी देसी शराब की दुकान से 9 पेटी बिना लेबल की शराब बरामद की गई, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 अभियुक्त फरार हो गया है। हाँ, ये लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग की जा रही है और खासकर देसी जो ठेके हैं इन पे चेक किया जा रहा था। तो एक दुकान पे कुछ शक जाहिर हुआ, कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि सर हो सकता है ये पुरानी शराब हो, तो उसमें जो है वो अधिकृत डीलर नहीं था। जब उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया तो अधिकृत डीलर नहीं था, शराब ओरिजिनल है लेकिन वो जो है डीलर का आदमी ना होके कोई और आदमी बेच रहा था। और वहाँ पे तुरंत एक्साइज टीम आ गई है और 3 लोगों के नामजद हुए हैं, जिसमें 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इसमें ठेकेदार भी शामिल है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इसमें कर्मचारी की मिलीभगत शामिल पाई जा रही है? नहीं, इसमें किसी का मिली भगत का नहीं है। ये अचानक जब छापा मारा गया है तो जब उसका लाइसेंस और उसका आईडी पूछा गया तो वो मतलब अधिकृत विक्रेता न होके एक सिंपल आदमी उन्होंने रखा हुआ था, वो बेच रहा था।